Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 50 के बारे में। पेमेंट ऑफ टैक्स जो चैप्टर है उसमें सेक्शन नंबर 49 और सेक्शन नंबर 50 ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 49 जहां एकदम कोर टॉपिक के बारे में बात करता है दैट पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या है और उनसे रिलेटेड रूल्स क्या है। वहीं सेक्शन नंबर 50 जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात करता है इंटरेस्ट के बारे में कि अगर आपने सेक्शन 49 के हिसाब से पेमेंट ऑफ टैक्स आपने सही टाइम पे अगर नहीं किया है, डिलेड किया है, तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। वो इंटरेस्ट किन किन सिचुएशंस में लगता है वो हम समझेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम समझेंगे और किन किन लोगों को लगता है ये भी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन नंबर 50। लेट्स सी। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, जैसा कि मैंने आपको बोला हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में एक छोटा सा सेक्शन है सेक्शन नंबर 19, वो है IGST एक्ट का। जितने भी सेक्शन है सेक्शन नंबर 49 और 50 इस चैप्टर में हमने देखा है, पुराने चैप्टर्स में जो सेक्शन हमने देखे हैं, हम सेक्शन की बात करते हैं स्पेसिफिकली जो CGST एक्ट के अंदर है क्योंकि वो प्राइमरीली रूल करता है। जो सेक्शंस हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखे हैं इस चैप्टर में भी देख रहे हैं 49 और 50, ये स्पेसिफिकली CGST एक्ट के सेक्शंस हैं। हम CGST एक्ट को डिस्कस करते हैं क्योंकि वो प्राइमरीली रूल करता है और वही सेक्शंस एज इट इज कुछ कुछ IGST में भी डाले गए हैं। IGST में वही सेक्शंस हैं, बस उनके नंबर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सेक्शन है 19 जो IGST एक्ट का है, बट उसको यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है तो वो भी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो व्हाट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो, व्हेन इज इंटरेस्ट पेबल, मतलब कि इंटरेस्ट को कब देना होता है, किन किन सिचुएशंस में इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जाएगा, ये सेक्शन नंबर 50 के हिसाब से हम आज समझेंगे पहले पॉइंट के अंदर। अब इंटरेस्ट किन सिचुएशन में लगता है, ऑब्वियसली हमें पता है कि सेक्शन नंबर 50 इज कनेक्टेड टू 49, तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में ही कि आपने अगर सही टाइम पे पेमेंट नहीं किया है तो फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि और कौन सी सिचुएशन है पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर ही, अगर आप अलग अलग सिचुएशंस में बात करेंगे तो फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि उन सिचुएशंस में भी इंटरेस्ट लगेगा, वो हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के अंदर। उसके बाद में वी विल डिस्कस अदर रिलेवेंट पॉइंट्स। अदर रिलेवेंट पॉइंट्स में हम क्या टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट किस रेट पर लग रहा है, परसेंटेज क्या है, उसको काउंट कैसे करना है इंटरेस्ट के डेज को, मतलब कि किस डेट को ड्यू डेट लेना है और किस डेट को एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट लेना है, ये हम ऐसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अदर रिलेवेंट पॉइंट्स के अंदर। फिर जैसा कि मैंने कहा आपको, ये छोटा सा सेक्शन है सेक्शन नंबर 19, हम IGST एक्ट का वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल सी एन एग्जाम्पल जिससे आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये वीडियो पूरा कंप्लीट होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। When is interest payable? कौन कौन सी situations हैं, mainly कितनी situations हैं वो हम देखते हैं, interest कब payable होगा आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कितनी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हमको इंटरेस्ट देना होगा। पेमेंट तो आपको करना है टैक्स का, बट उससे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर पेमेंट ऑफ टैक्स की ड्यू डेट होती क्या है। तो हमने देखा है, सबसे पहले हमने जब नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न्स देखे हैं जिनको सबमिट करना होता है, उसमें हमने सबसे पहले देखा था GSTR 1। GSTR 1 और कुछ नहीं, आउटवर्ड सप्लाई का एक डिटेल्ड हम उनको स्टेटमेंट देते हैं कि इतना आउटवर्ड सप्लाई हमारा मंथली बेसिस पर हुआ है, वो हमें हर मंथ की 10th को देना होता है। उसके बाद में हमने देखा एक समरी रिटर्न जाता है जिसको हम कहते हैं GSTR 3B। उसके अंदर हम आउटवर्ड ही नहीं इनवर्ड भी पेमेंट का डिटेल्स ITC सब कुछ देते हैं, वो भी हमको मंथली देना होता है और वो हर मंथ की 20th तक आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद में हमने देखा था एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न होता है GSTR 9। GSTR 9 को हमें सबमिट करना होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31st दिसंबर तक। ये आपके कोर्स के हिसाब से अभी तक जो एप्लीकेबल है वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बट इन सब में अगर आप बात करेंगे पेमेंट की डेट क्या है, ये आपको देखना होगा। आपको हर महीने का GST जो है वो आपको पे करना होता है नेक्स्ट मंथ की 20th तक,
अगर आपने नेक्स्ट मंथ की 20th तक पेमेंट नहीं किया है तो फिर आप इन सिचुएशंस में एप्लीकेबल आपको हो जाएगी। सो 20th ऑफ ईच डेट आपको ध्यान रखनी है, आपको उसके पहले पेमेंट करना होगा। अब इसके अलावा सिचुएशंस क्या क्या है, मतलब चलिए ये तो डिलेड पेमेंट हमने किया तो हमको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो ए, बी और सी, ऐसी तीन सिचुएशंस आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इन तीनों सिचुएशंस में आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में पे करना होता है इंटरेस्ट। सबसे पहला ए सिचुएशन क्या है, आइए देखते हैं। डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स इन फुल और पार्ट विद इन द पीरियड, मतलब कि आपने डिले किया किस चीज़ में, आपने टाइम में पेमेंट नहीं किया, या तो आपने थोड़े से अमाउंट का नहीं किया या फिर पूरा ही आपने पे नहीं किया है, मतलब पीरियड के अंदर आपको 20th के पहले पहले करना था और आपने नहीं किया। लेट्स से 1,00,000 रुपए का आपका लाइबिलिटी था, आपने 90,000 तो डिपॉजिट कर दिया आपने 20 के पहले पहले, और आपने 10,000 डिपॉजिट करा आपने 25th तक, तो इस 10,000 पे 5 दिन का 18% के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। इस तरीके से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल है इन तीनों अलग अलग सिचुएशंस पे है। पहला जो ए केस है दैट इज क्वाइट अ नॉर्मल केस, लेट पेमेंट दिया, जितना अमाउंट पे नहीं किया है, जितने दिन के बाद किया है उन दिन के लिए हम आपको उतना परसेंटेज लगा देंगे। ये जो रेट ऑफ परसेंटेज है ये एनुअली देखा जाता है, मतलब 18% पर एनम है, 24% पर एनम है, 24% पर एनम है। अब देखते हैं बी सिचुएशन में क्या है, आइए। तो दोस्तों ये देखा हमने सबसे पहले ए पॉइंट, अब बी पॉइंट की सिचुएशन क्या है आइए देखते हैं। अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ ITC, बी और सी थोड़े हैंड इन हैंड चलते हैं, दोनों में अनड्यू और एक्सेस क्लेम की बात चल रही है यहाँ पर। मतलब कि बी पॉइंट बोल रहा है कि अगर किसी रिसिपियंट ने, यहाँ पर आर लिख देता हूँ मैं क्योंकि ITC की बात आ रही है, अगर किसी रिसिपियंट ने ITC का यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर कोई गलत क्लेम लिया है, अनड्यू मतलब उसका वो क्रेडिट बनता ही नहीं था और उसने एक्सेस में दिखाया है, तो उसकी भी पेनल्टी लगेगी। सही बात है, आपने वो चीज़ परचेज ही नहीं करी और आप ऐसा दिखा रहे हैं कि हमारा इतना ज़्यादा क्रेडिट है, हालांकि वो अप्रूव नहीं होगा तो भी आप ये दिखा रहे हैं, और अगर वो अप्रूव हो भी जाता है गलती से तो आपको फिर पेनल्टी के साथ में वो पैसा वापस देना पड़ेगा। इसीलिए बी पॉइंट कह रहा है कि अनड्यू और एक्सेस अगर आपने फ़ायदा उठाया है किस चीज़ का, ITC का क्लेम किया है, किसी रिसिपिएंट की तरफ से बात है, तो आपके ऊपर 24% पर एनम का लगा दिया जाएगा इंटरेस्ट। और सी पॉइंट बोल रहा है अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन, किस चीज में रिडक्शन हो रहा है, इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, तो भी 24% आपके ऊपर लग जाएगा। मतलब उनका कहना है कि दो ही तरीके हैं जिससे कस्टमर्स अपना फ़ायदा बढ़ा सकते हैं, कस्टमर से मतलब क्या है, हम जैसे लोग जो बिजनेसमैन हैं वो अपना फ़ायदा बढ़ा सकते हैं, या तो हम हमारा ITC इंक्रीज़ कर लें और गलत तरीके से दिखाएं, या फिर हमारी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है हम उसको कम कर लें, मीन्स गलत तरीके से कम दिखाएं, हमारी सेल कम कर दें, हम परसेंटेज ऑफ GST कम कर दें, कोई भी तरीका हो उससे हम हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगर कम कर रहे हैं और हमारा क्रेडिट हम बढ़ा रहे हैं गलत तरीके से, एक्सेस एंड अनड्यू तरीके से हम ये काम कर रहे हैं, तो हमें 24% ऑफ पर एनम का इंटरेस्ट हमें देना होगा, उस ओरिजिनल अमाउंट के साथ में हमें इंटरेस्ट भी लौटाना होगा। सो ये पेनल्टीज है तीन, मतलब इन तीनों को अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो दो पार्ट्स में हो जाएगी। पहला तो नॉर्मल सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं डिलेड इन पेमेंट, और दूसरा है बी एंड सी जो बात करते हैं अनड्यू एंड एक्सेस क्लेम के बारे में ऑफ ITC एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब ये जो रिसिपिएंट की बात करी है तो ये होगा सप्लायर की तरफ से, सप्लायर अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कम कर रहा है, यही बात लिखी है सेक्शन 4210 एंड 4310 के अंदर। ITC बाय रिसिपिएंट जो मैंने आपको बोला एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बाय सप्लायर, ये दोनों यहाँ पर बताई गई है इन दोनों सेक्शंस में, और बताया गया है कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो वो कॉन्ट्रावेंशन बिल्कुल गलत होगा और आपको इतना
इंटरेस्ट तो आपको पे करना होगा ही होगा, मिनिमम इंटरेस्ट है जो आपको पर एनम के हिसाब से पे करना होगा। इसके अलावा रिटर्न्स की जो पेनल्टी है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, 100 रुपये या फिर 5,000 रुपये, वो अलग चीज़ है। अगर रिटर्न्स हमने देखा था आपके रिटर्न्स इस वजह से नहीं भराए गए हैं या फिर आपने लेट भरे हैं, तो उसमें कुछ 2-3 रिक्वायरमेंट्स अलग थी, किस तरीके से आपके ऊपर 0.25% ऑफ टर्नओवर भी लग सकता है। सो वो अलग क्राइटेरिया है। ये जो पेनल्टी है वो इंटरेस्ट की पेनल्टी है, और इंटरेस्ट लगाया जा रहा है किसके ऊपर, जो टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहा है वो। 20th डेट है पेमेंट की। अभी ऑन अ रेगुलर बेसिस जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जीएसटी में काफ़ी अपडेशंस आ गए हैं, बट आपके अटेम्प्ट के हिसाब से आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी, ये डेट्स पढ़नी होगी। सो वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तीनों कैटेगरीज हमने देख ली है, नॉर्मल कैटेगरीज एंड 2 कैटेगरीज ऑफ अनड्यू एंड एक्सेस क्लेम, वो हमने देख लिया है। ये 2 कैटेगरीज जो है वो 24% वाली है, जो फर्स्ट कैटेगरी है वो 18% पर एनम वाली है। सो ये था सेक्शन नंबर 50। अब हम कुछ देखते हैं अदर रिलेवेंट पॉइंट्स, इससे रिलेटेड हमको जो समझने होंगे, लेट्स सी। चलिए देखते हैं कुछ अदर रिलेवेंट पॉइंट्स जिसके अंदर क्या क्या डेटा है हमें देखना होगा। सो इंटरेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ डीडी टिल एक्चुअल पेमेंट रिसीव्ड डेट, इनका कहना है कि हम कब से कब कैलकुलेट करेंगे, हमें इंटरेस्ट तो लगाना है। ये डेट थी जिस दिन को पेमेंट होना चाहिए था, लेट्स से 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ को पेमेंट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो इंटरेस्ट तो चार्ज करना पड़ेगा ना। 25th को पेमेंट हुआ, चलिए अब बताइए हम कितने दिन का इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर हम 20th से 25th गिनते हैं तो 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 25 को काउंट करना है कि नहीं करना है, ये क्वेश्चनेबल चीज़ है, और 20th को काउंट करना है कि नहीं करना है, ये भी क्वेश्चनेबल चीज़ है। मतलब कि इन दोनों डेट्स को अगर हम काउंट नहीं करते हैं तो हम 4 डेज का हम इंटरेस्ट देंगे, और अगर हम इनको काउंट करते हैं तो फिर हमें कोई भी 5 दिन का देना पड़ेगा, दोनों को काउंट करते हैं तो 6 दिन का देना पड़ेगा। सो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट कब से चार्ज करना है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट कब थी, 20th, 20th का नेक्स्ट डे जो होगा, अगला दिन, उस दिन से इंटरेस्ट हमको लगाना है। मतलब ये बात तो क्लियर है कि हम 21st से इंटरेस्ट लगाना चालू करेंगे, ठीक है, 21st से इंटरेस्ट लगा रहे हैं, कब तक लगाना है, टिल एक्चुअल पेमेंट रिसीव्ड डेट, मतलब जिस तारीख को पेमेंट मिला है उस तारीख तक हमको ये इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, मतलब 25th तक हमको लगाना पड़ेगा। सो इस वाले केस में हम 21, 22, 23, 24 और 25 तक का हम लेंगे इंटरेस्ट। सो ये हमने देखा कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किन डेज के बीच में होगी। क्लियरली हमको वो दिन तो छोड़ना ही है जो दिन ड्यू डेट था, 20th तो हमको छोड़ना ही होगा, अगले दिन से हम कैलकुलेट करेंगे जब तक उसने पेमेंट दे दिया है उस डेट तक हमको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। सो ये हमने देख लिया नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, पे इंटरेस्ट कब, वॉलेंटरली इन केस ऑफ बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने टैक्स सही टाइम पे नहीं दिया है तो आपको वॉलेंटरी जाके, मतलब कि आपको कोई बोलने नहीं आएगा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा, आपको अपने आप जाके इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर आप बाद में बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था, सो क्लियरली आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है, वॉलेंटरीली आपको जाके इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा, आपकी लाइबिलिटी में वो अमाउंट जुड़ जाएगा, वो अमाउंट देखिए और आप पेमेंट कर दीजिए वॉलेंटरी तरीके। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है, अभी इंटरेस्ट अमाउंट जो है, चलिए हमने माना कि इंटरेस्ट अमाउंट अब हमें चार्ज कर दिया गया है, हमने लेट पेमेंट किया है, इसका हम पेमेंट कैसे करेंगे। या तो पहला तरीका है कि हम हमारा कैश दे और उसको हम पेमेंट कर दें। अगर हमारे पास में क्रेडिट रखा हुआ है तो क्या हम क्रेडिट को यूज कर सकते हैं इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए। तो ये पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल्स टू डेबिटेड टू ई लाइबिलिटी लेजर, दैट इज एडिशन टू लाइबिलिटी। ये बात तो पक्की है कि ये हमारी लाइबिलिटी है, तो हम क्या करते हैं हमारे लाइबिलिटी लेजर में इसको डेबिट कर देते हैं, उससे क्या होता है हमारी एडिशन हो जाती है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सही बात है। अब जो मैं बात कर रहा था आपसे सेटल करने की, तो इंटरेस्ट लाइबिलिटी ध्यान से देखिएगा, कांट बी सेटल्ड, मतलब कैन नॉट बी सेटल्ड, कहाँ से उसको सेटल नहीं कर सकते हो आप, विथ क्रेडिट लेजर बैलेंस बट विथ कैश लेजर बैलेंस ओनली।
इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अदर ड्यूज़ होते हैं, जैसे इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है, अदर अमाउंट्स है, ये सब कभी भी आप इनको पेमेंट करने के लिए आपका ITC आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्रेडिट लेजर को आप हिट नहीं कर सकते हो। इन सब अदर ड्यूज़ का पेमेंट करने के लिए आपको कैश से ही पेमेंट करना होगा, इसलिए यू विल हैव टू डेबिट योर कैश लेजर ओनली। ये बात पक्की है और यही इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इंटरेस्ट लाइबिलिटी कैन नॉट बी सेटल्ड विथ क्रेडिट लेजर बैलेंस बट विथ कैश लेजर बैलेंस ओनली। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सेक्शन 170 का, ये लास्ट पॉइंट है। सेक्शन 170 बात करता है राउंड ऑफ के बारे में कि अगर आपका जो टैक्स का अमाउंट है या फिर अदर ड्यूज का अमाउंट है वो कुछ डेसिमल्स में है, कुछ कम ज़्यादा है, तो फिर हम उसको नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ कर देंगे। अगर 0.50 से है, कम है, तो फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे। 0.50 से ज़्यादा है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। सिंपल सी बात है, जैसे आपको आया है 5150.70, तो इसको वो राउंड ऑफ करके 5151 बना देंगे और आपको इतने का पेमेंट करना होगा। नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बट है अदर रिलेवेंट पॉइंट्स में, तो आपको समझना होगा। सेक्शन 170 के हिसाब से टैक्स का अमाउंट, अदर ड्यूज का अमाउंट राउंड ऑफ हो सकता है नियरेस्ट रूपी के साथ में, और वो हमने किया है। सेटल अगर हमको करना है तो कैश से पैसा दीजिए, क्रेडिट आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, वॉलेंट्री आपको जाके पेमेंट करना होगा और इससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, इसलिए लाइबिलिटी में ये ऐड हो जाएगा। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो पॉइंट देखें, लाइबिलिटी वाला और सेटलमेंट वाला, तो यहाँ पर दो तरीके से हिट यहाँ पर मिलेगा, मतलब दो लेजर्स में ये अमाउंट हिट करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। सो इसका इफेक्ट अगर हम देखेंगे इंटरेस्ट का, तो आइए देखते हैं लेजर स्टाइल में इसका इंटरेस्ट कैसे दो जगह लेजर्स में आएगा। पहला हम जो लेजर इससे हिट करने वाले हैं वो है हमारा लाइबिलिटी वाला लेजर। दूसरा लेजर जो हम हिट करेंगे वो है हमारा पेमेंट के लिए, हम करेंगे कैश लेजर। क्रेडिट तो कर नहीं सकते, अभी हमने देखा है। क्रेडिट में रहता क्या है हमारे पास में, ITC रहता है क्रेडिट साइड में, उसको हम यूज़ करते हैं बट ओनली फॉर टैक्स अमाउंट करते हैं, अदर ड्यूज़ के लिए हम नहीं करते हैं। सो क्लियरली क्रेडिट लेजर जो है वो तो पिक्चर से बाहर है, हम इसको नहीं देखने वाले हैं। इंटरेस्ट के पेमेंट में इसका कोई भी रोल नहीं है, पेमेंट तो हमको करना होगा कैश लेजर से। और हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमें यहाँ पर हिट करना होगा। इंटरेस्ट मुझ पे लगाया गया है 100,000 रुपये का, मेरे पास में मेरी लायबिलिटी थी जो ऑलरेडी मुझे मेरे लायबिलिटी लेजर में दिख रही थी, ये मेरे टैक्स की लायबिलिटी थी, मैंने ये सही टाइम पर पेमेंट नहीं किया, इसके ऊपर मुझे लगा इंटरेस्ट 10,000 रुपये का, तो ऑब्वियसली मेरी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो मैं ये अमाउंट से और डेबिट करूंगा और मेरी लायबिलिटी इंक्रीज करूंगा बाय ₹10,000 का ये इंटरेस्ट मेरे ऊपर लग जाएगा, दिस इज़ नॉट माइनस। तो इस तरीके से मेरा 110,000 रुपये का टोटल लायबिलिटी हो जाता है। नाउ या जो लायबिलिटी का पेमेंट है वो मैं करते जाऊंगा, मतलब मैं लायबिलिटी को डिक्रीज करूंगा, किसके साथ में, ITC के अमाउंट के साथ में और बचा हुआ कैश के साथ में। सो क्लियरली ITC तो मैं कभी भी यूज नहीं कर पाऊंगा फॉर माय इंटरेस्ट का अमाउंट, तो अगर मेरे पास में ITC अवेलेबल है तो उससे क्या सिर्फ मैं 100,000 रुपये का टैक्स कम कर सकता हूँ? यस, सिर्फ मैं यही कम कर पाऊंगा 100,000 रुपये के लिए, बाकी मुझे 10,000 रुपये का तो पूरा का पूरा 10,000 का कैश से ही मुझे पेमेंट करना होगा। पेमेंट कर रहा हूँ मतलब मेरा कैश का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है। सो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यहाँ मेरे सारे डिपॉजिट्स आते हैं और जो भी मैं पेमेंट करते जा रहा हूँ वो मेरा यहाँ पर आता है। तो 10,000 रुपये का मेरा डेबिट इंटरेस्ट का पेमेंट का आएगा कैश लेजर में। सो यहाँ पर अगर हम इफेक्ट देखेंगे इंटरेस्ट का, तो वो फाइनली आया किसके ऊपर है, क्रेडिट तो बिल्कुल बाहर है, लायबिलिटी अकाउंट में डेबिट हुआ है हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट। सो अगर हम इसकी एंट्री बनाएंगे, सो लायबिलिटी लेजर हैज़ बिन डेबिटेड विथ 10,000, और साथ ही में क्या हुआ है, साथ में ये हुआ है कि डेबिट हो रहा है मेरा कैश का अमाउंट भी, यानी कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ किसके साथ में, 10,000 रुपीज़ में इंटरेस्ट पे करूँगा ओनली फ्रॉम माय कैश लेजर एंड नॉट फ्रॉम माय क्रेडिट लेजर। इस तरीके से मेरा जो पूरा दो जगह हिट होगी, एक तो लायबिलिटी अकाउंट से मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी
और साथ ही में जो मेरा कैश का बैलेंस है वो कम हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा है कि इंटरेस्ट का क्या क्या इम्पैक्ट आता है। हमने देखे हैं अदर रिलेवेंट पॉइंट्स, हमने अभी तक देख लिया है सेक्शन नंबर 50 में कितने सिचुएशंस होती है जहाँ पर इंटरेस्ट लगता है, हमने एग्जाम्पल से थोड़ा वो समझ लिया है। आइए देखते हैं अब ये सेक्शन नंबर 19 क्या चीज़ है। जैसा मैंने आपको कहा था छोटा सा सेक्शन है, हम समझने वाले हैं IGST एक्ट के अंदर उसको समझते हैं। सेक्शन नंबर 19 की जब हम बात कर रहे हैं, ये IGST एक्ट का एक सेक्शन है, ना कि ये CGST एक्ट का है। तो CGST की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। CGST में हमने 49 और 50 इस चैप्टर में देख लिया है। 49 के बाद में 50 हमने देखा इंटरेस्ट के लिए, और अब 19 नंबर का सेक्शन है जो बात कर रहा है दैट टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। ओहो, इसका मतलब क्या है कि मैंने टैक्स कलेक्ट कर लिया, वॉज आई सपोज टू कलेक्ट टैक्स? नो, इसलिए तो रॉन्गफुली बोला है। या तो मैं रजिस्टर्ड नहीं था, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन था, फिर भी मैंने उसको टैक्स कलेक्ट कर लिया, या तो फिर मैंने गलत परसेंटेज पर टैक्स कलेक्ट कर लिया है, इसकी संभावना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अनरजिस्टर्ड टैक्स कलेक्ट करेगा, सामने वाला भी समझ जाएगा कि यू आर नॉट सपोज टू डू सो बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड। बट अगर आपको 18% के हिसाब से आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर GST कलेक्ट करना चाहिए था, बट आपने कम कर दिया, या फिर उल्टा कर दो कि आपको कम परसेंटेज के हिसाब से GST लेना चाहिए था और आपने ज़्यादा कलेक्ट कर लिया और आपने गवर्नमेंट को दे भी दिया, रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, उस वाली सिचुएशन में क्या होगा? आपको रिफंड चाहिए ना, तो आपको रिफंड मिलेगा, बट कैसे मिलेगा? टैक्स कैलकुलेटेड ऑन एरोनियस बेसिस, क्लियरली रॉन्ग नेचर ऑफ सप्लाई, मतलब कि आपने नेचर ऑफ सप्लाई गलत पकड़ लिया, या तो आपने सही कैटेगरी ऑफ गुड्स में नहीं डाला उसको, या फिर सही कैटेगरी ऑफ सर्विसेज में आपने उसको इंक्लूड नहीं किया है। इन दिस सिचुएशन क्या होगा? आपने गलत नेचर समझा, गलत परसेंटेज लगाया और गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, सो इज नॉट परमिटेड टू बी एडजस्टेड, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जो अमाउंट आपने ज़्यादा दे दिया है तो आप बोलेंगे चलिए काम करिए, मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट निकल रहा था, आप उससे एडजस्ट कर लीजिएगा, आपने मुझे पेनल्टी चार्ज करी है, आप उससे एडजस्ट कर लीजिएगा, मुझे इतनी फीस देनी ही है, मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसा तो दे दिया है, आप उससे एडजस्ट कर लीजिएगा। नहीं, नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट परमिटेड टू बी एडजस्टेड। सिंपल, इसका एक ही तरीका है, दैट टैक्सेबल पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर रिफंड, आपको रिफंड मिलेगा। बट कैसे रिफंड मिलेगा? गवर्नमेंट कहेगी पहले आपने जो गलत रेट पे टैक्स कलेक्ट किया है ना, उसका रिफंड हम आपको देंगे, बट आप उससे पहले क्या करिए, जो सही करेक्ट रेट ऑफ टैक्स है उस पर टैक्स कलेक्ट करिए, हमारे यहाँ पर डिपॉजिट करिए। तो इससे क्या होगा कि दो दो बार टैक्स हमारे पास में आ गया, गवर्नमेंट के पास में 18% वाला भी दिख रहा है और लेट से 28% वाला भी दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली पोर्टल पर एक्सेस इन कैश दिखेगा, मतलब कि पेमेंट ज़्यादा कर दिया गया है, ये दिखेगा एक्सेस पेड, तो वो आपका रिफंड जनरेट हो जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, TP इज एंटाइटल्ड फॉर रिफंड बट बिफोर ही हैज़ टू डिपॉजिट एंड डिस्चार्ज करेक्ट टैक्स, जो सही टैक्स है उसको आप डिस्चार्ज करो पहले, सो दैट इनकरेक्ट टैक्स पेड, जो पहले गलत दिया है आपने गवर्नमेंट को, विल बी शोन एज पेड इन एक्सेस एट द पोर्टल एंड रिफंड विल बी जनरेटेड। इस हिसाब से आपको ये पूरा समझना होगा सेक्शन नंबर 19 में, कि अगर गलती से आप नेचर ऑफ सप्लाई गलत पढ़ लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, रॉन्ग परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो अब उसका रिफंड आप कैसे लेंगे? पहली बात, आप एडजस्ट नहीं कर सकते, दूसरी बात, आपको रिफंड मिलेगा, पहले आप करेक्ट टैक्स कलेक्ट करके पे करो, उसके बाद में पोर्टल में दोनों चीज़ एक्सेस में दिखेगी, पुराना टैक्स भी गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है, नया टैक्स भी रखा हुआ है, तो जो इनकरेक्ट वाला है गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देगी, क्योंकि वो एक्सेस पेड के कॉलम में दिखाएगा वहाँ पे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली रिफंड जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा है सेक्शन नंबर 19 एज वेल। अब हम देखते हैं दोनों, हमने सेक्शन नंबर 19 और 50 इसमें समझ लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 50, जहाँ पर हमने देखा है कि इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 15 ने हमसे नॉर्मली बात करी है 18% की और 24% की। अगर डिलेड पेमेंट किया है आपने नॉर्मल
टैक्स का तो आपको 18% लगेगा, पर एनम का रेट है, और 24% लगता है अगर अनड्यू या फिर एक्सेस में आपने ITC क्लेम करा है या फिर आपने आपकी आउटवर्ड लाइबिलिटी जो है उसको कम दिखाया है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको 24% का रेट यहाँ पर लग जाएगा। अब जैसे कोई पर्सन है ABC लिमिटेड, उनकी लाइबिलिटी थी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल मंथ के लिए उनकी लाइबिलिटी थी 25,000 रुपीज का, उनको GST की लाइबिलिटी क्रिएट हुई। यहां पर आपको बताना है कि इन्होंने अगर पेमेंट दो डेट्स पे अलग अलग किया है, उन दोनों डेट्स में किसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा और कितना परसेंटेज लगेगा। सो यहां पर अप्रैल की लाइबिलिटी 25,000 थी, लेट से उन्होंने इस अप्रैल की लायबिलिटी का जब पेमेंट किया तो उसके लिए पहली डेट जो थी वो उनकी थी 25th of May, 25 मई को इन्होंने पेमेंट किया, और एक डेट थी इनके पास में 20/05, मतलब 20 तारीख को इन्होंने पेमेंट करा मई मंथ के अंदर। यहां पर किस डेट पर पेनल्टी लगेगी और कितना परसेंटेज लगेगा, अब देखिए सबसे पहली चीज, क्या आपको एबीसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी दी गई है कि इनका टर्नओवर क्या है? नहीं, मतलब हम इनको जनरली एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे, मतलब कि इनको GSTR का जब भी इनको पेमेंट करना हो तो नेक्स्ट मंथ की 20th में ही करना है। तो नेक्स्ट मंथ की 20th को अगर इन्होंने पेमेंट कर दिया तो क्या इंटरेस्ट लगेगा? नो, 25th को किया है इन्होंने तो इनके ऊपर 18% लगना चाहिए ऑन 25,000 रुपीस फॉर हाउ मेनी डेज आउट ऑफ 365 डेज। अगर हम इनको प्रोपोर्शनेट करने की कोशिश करें तो 25 तारीख को इन्होंने पेमेंट किया है, 21 तारीख से हम काउंट करना चालू करेंगे, सो 21, 22, 23 और 24, इस तरीके से टोटल 4 दिन का इनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। अब यहाँ पर अगर बताया जाता कि एबीसी लिमिटेड है, उनका जो टर्नओवर है लास्ट ईयर में वो 75 लाख है, मतलब क्या इनके ऊपर नॉर्मल GSTR एप्लीकेबल है कि GSTR 4 एप्लीकेबल है, क्योंकि ये कंपोजिशन सप्लायर होंगे। कंपोजिशन सप्लायर के लिए ड्यू डेट क्या होती है? हर क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ की 18th तक उनको पेमेंट करना होता है। सो इन दिस केस क्या अगर 18th होती है इनकी डेट तो अप्रैल का पेमेंट इन्होंने कर दिया है 25th मई और मई में, तो क्या इनके ऊपर एक भी सिचुएशन में इंटरेस्ट लगेगा? नो, व्हाई? बिकॉज अप्रैल मंथ के लिए उनको पेमेंट नहीं करना है, उनको तो क्वार्टरली पेमेंट करना होता है। सो अप्रैल मई जून पूरा निकल जाता, 18th of July तक का टाइम उनके पास में था और उन्होंने मई में पेमेंट कर दिया है, तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस देखनी होगी। पहले ध्यान रखिए, जो यहाँ पर आपको कस्टमर दिया है या फिर एंटिटी दी है वो कंपोजिशन सप्लायर है कि नॉर्मल है, उसके हिसाब से आप ड्यू डेट देखिए, 18th है क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ की या फिर जस्ट नॉर्मल मंथ की अगले मंथ की 20 तारीख है, वो आप चेक करिए, उसके बाद में नंबर ऑफ डेज काउंट करिए। और ध्यान रखिए 18% नॉर्मल केस होगा, अगर ऐसा कोई केस होता है जहां पर उसने ITC के साथ में गड़बड़ करा है या फिर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के साथ में गड़बड़ किया है तो वहां 18% ही 24% आपको टैक्स लगाना होगा इंटरेस्ट का। सो क्लियरली जो इंटरेस्ट लग रहा है वो नॉर्मल टैक्स अमाउंट पे लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं लग रहा है। इस तरीके का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर समझ लिया है। सो गाइस, इस तरीके से हमने इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है, किन किन सिचुएशंस में अगर आप डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं सेक्शन नंबर 50 के हिसाब से, वो हमने देखा है 18% और 24% के, इन दोनों को मिला के 3 केसेस हमने देखे हैं, ए, बी और सी। किस तरीके से कैलकुलेशन होता है वो हमने इस वीडियो में समझा है। सेक्शन नंबर 19 की अगर हम बात करें, छोटा सा सेक्शन है IGST एक्ट का, कि कैसे आप रॉन्गफुली अगर टैक्स कलेक्ट कर लेते हो, गवर्नमेंट को दे देते हैं तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, बट आपको पहले करेक्ट डिपॉजिट करना होगा तब जाके आपको पिछले इनकरेक्ट टैक्स का रिफंड मिलेगा। इस तरीके से 19 एंड 50 हमने एग्जांपल के साथ में इस वीडियो में कवर किया है। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज Ekeeda चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम जब भी नए वीडियोज बनाए तो आप तक पहुंच सके। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।